अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7 ऑफ चैप्टर नंबर 7 रेशियो रेट टाइम एंड स्पीड। और क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टोटल ऑफ 3603 पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स। जो 2010 में सिंगापुर में यूथ ओलंपिक गेम्स उसमें जो है 3600 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। देर वर 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें से उधर 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी थे। हो रिपोर्टेड ऑन द गेम्स, जो कि गेम को रिपोर्ट कर रहे थे, यानी कि ठीक है। इसके बाद 20,000 वॉलंटियर्स और हेल्प आउट ड्यूरिंग द गेम्स, और जो और उसमें वॉलंटियर्स भी थे 20,000 जो कि गेम के दौरान जो हेल्प कर रहे थे। इसी तरह 370,000 स्पेक्टेटर हो अटेंड द गेम, और इस तरह स्पेक्टेटर कितने थे 370,000 सॉरी ठीक है, यानी कि 370,000 स्पेक्टेटर यानी तमाशाई थे जो इन्होंने गेम को देखने के आए, यानी कि अटेंड किया गेम्स को। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि रेशियो फाइंड करनी है द नंबर ऑफ एथलीट टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर। एथलीट की जो रेशियो फाइंड करनी है वॉलंटियर से, इस तरह नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव टू द एथलीट टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर, यानी कि मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, फिर जो एथलीट है और फिर जो स्पेक्टेटर, इन तीनों की रेशियो हमने सेकंड पार्ट में एक साथ जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें गिवन डाटा लिखा हुआ है, मैंने वो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ एथलीट जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, वॉलंटियर्स कितने हैं, स्पेक्टेटर्स, ये गिवन डाटा ये हमें लिखे या लिखें, ये जस्ट जो है इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। इस सॉल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो एथलीट्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं इनकी रेशियो निकालनी है। तो वो हमें ये देखें, यहाँ पे गिवन है 3600 एथलीट्स हैं, फिर इसी तरह जो है वॉलंटियर्स कितने हैं वो है 20,000। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले जाना है, तो 20 जो है वो 20 से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 100 पे डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को। जो दो नंबर रेशियो में आ रहे होते हैं हम उन्हें एक किसी एक नंबर पर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर क्या रह जाएगा, 36:200 ठीक है। अब देखें मजीद कटिंग हो जाएगी, अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 4 पे, 4 9 दा 36 और 4 5 दा 20, 4 5 दा और 4 0 दा 0, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4 ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं आप इसे, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं आप। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, इन तीनों की रेशियो फाइंड करनी है। तो मैं इधर नीचे इक्वल लगा लेता हूँ स्पेस काम में, क्योंकि सिंप्लीफाई भी करना है। तो 1200 रेशियो, यानी कि पहले कितने मीडिया रिप्रेजेंटेटिव कितने थे 1200, वो हमने 1200 लिख दिया। फिर इसी तरह नंबर ऑफ एथलीट कितने हैं, वो ऊपर हमें गिवन है 3600, ये वो भी लिख दिया। रेशियो किसके साथ एंड पे रहेगा, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर, ये एथलीट होगा, ये स्पेक्टेटर रहेगा। स्पेक्टेटर कितने 370,000 ठीक है। 20 देखें, दोनों 100 पे अगर हम डिवाइड करते थे डिवाइडेड बाय 100, तो 20 सबके कैंसिल हो जाएंगे, 12:36:370 और एक और साथ, यानी 3700 रह गया। अगर आप लिखना भी चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, किससे किया हमने डिवाइड किया 100 से ऊपर वाले इसको, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है ठीक है। ये रफ वर्क है ये सारा। इसी तरह ये देखें, अब मजीद जो है ये 4 पे डिवाइड, 4 3 12 4 9 36 ठीक है। 4 9 36 1 कैरी हो गया 10 हो गया, 4 2 8 2 कैरी हो गया, और 4 2 8 2 कैरी हो गया, इधर लग गया तो 4 5 दा होता है 20। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हम इसे कर सकते। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, जो हमने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव टू नंबर ऑफ एथलीट्स और फिर जो है नंबर ऑफ टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स जो है हमने वो फाइंड कर लिया, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आंसर लिख दिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7 एक कम्प्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।